ठीक है योगेश, आई विल सेंड यू अ डीडी एंड देन यू कैन ब्लॉक दिस यूनिट। फोन के ऊपर ही? हाँ, बिना मिले, बिना प्रॉपर्टी देखे। आई स्वेयर, बिना मिले तो ठीक है, बिना प्रॉपर्टी देखे। तो वो टाइम पे बैंकिंग डिपॉजिट में जो रिटर्न आ रहा था वॉज अराउंड 6% 7%। सो ऐसे भी कुछ इंश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स थे, मार्केट लिंक प्लान्स थे, जहाँ पे डेट फंड्स में अराउंड 10-12% का रिटर्न आ रहा था। Hello viewers, I'm happy and glad to invite you to this wonderful show where we have two stalwarts and वो बोलते हैं ना बड़े गेम का खिलाड़ी है हमारे साथ दो जन। And my name is Kaizad, I work with Rustam ji, this is my 19th year in Rustam ji. Many people ask me, यार आप बोर नहीं हो गए 20 साल तक होने को आए एक ही कंपनी में? ऐसे नहीं, 20 साल क्या, 200 साल तक भी मैं जी गया, 300 साल तक। मैं तो हमारे जो डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी बोल के रखा है कि अगर पूर्ण जन्म होगा आई वुड लाइक टू बी बॉर्न एज एम्प्लॉय ऑफ द रुस्तम जी ओनली फॉर एज मेनी जनरेशन। जैसे वो क्या बोलते हैं मैरिज में, क्या बोलते हैं, 7 जन्मों तक हम आपके साथ रहें। साथ क्या, मैं तो 700 जन्मों तक रुस्तम जी के साथ रहना चाहता है। द रीज़न बींग दैट वॉट द वे आवर मैनेजमेंट ऑपरेट्स एंड द वे वी ऑल ऑपरेट लुकिंग एट द इंस्पिरेशन ऑफ द मैनेजमेंट, चंद्रेश साहब है, परसी साहब है, भवन साहब है एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द ग्रेट लीडर्स, इज अ लॉट ऑफ द लव फॉर द कस्टमर्स, द सेक्रीफाइस, द थॉटफुलनेस विच वी पुट इन द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। किसी को चीटिंग नहीं करना है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो दिखता है वो बिकता है, यू नो, किसी के पीठ के पीछे, वेरी क्लीन वे ऑफ डूइंग बिजनेस विच इज़ टोटली इन सिंक विद व्हाट माय पेरेंट्स, जो हमारे मेरे मम्मी डैडी ने जो संस्कार दिए, दोस संस्कार आर द मैचिंग। सो दैट्स वन ऑफ द आंसर्स ऑल, आई थिंक लॉट ऑफ द पीपल आई होप हु कीप आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, आई विल होप टू आंसर इट थ्रू दिस फोरम। एंड नाउ दैट सेड, वी वुड लाइक टू वेलकम टू हैवी हिटर्स। आई वुड से इट्स मोर लाइक अ Tendulkar and Virat Kohli of the real estate, you can say you are being interviewed. So I hope that you feel lucky after you finish listening to what these two solvers have to say. We have, well, let's welcome Mr. Amit Rajpal and Yogesh Rajpal. So Amit, Yogesh ji, welcome. Little bit I would like to tell you, or one thing, not even little bit, lot they will tell about themselves. But ye jo bhai log dikh rahe aapko, 2800 which is kissing 3000 crores ka business kiya hai. If you want to do, doesn't matter, आप real estate का business कर रहे हो, आप channel partner हो, आप खुद घर खरीदना चाहते हो, या तो आप दूसरे industry में जो business कर रहे हो जो real estate के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, at least the principles of the success, the principles of the business, उनका thought process क्या है, growth कैसे हुआ, friendships कैसे हुआ, customer का attitude क्या है, वो तो हर business में लागू होता है। मोटा मोटी the principles of success in most businesses are, the foundation is very similar. So I hope you will get the gems of the knowledge from these two gentlemen. And but before that, let's get to know more about each of them. Amit ji, if you could tell us in brief where you were born and your quick journey to how you have reached over here. So you know, born in Mumbai only, and you know, did my college over here in engineering, and then after college did a lot of side hustles for a year odd, and tab samjha ki engineering is not for me. Not cut out, rather, you know, trading is something that I'm looking. Ye bouncer ja raha hai, so bouncer ja raha hai. So uske baad you know, decided to do MBA. You know, वो थोड़ा सा ठीक लग रहा था कि लेट्स डू MBA, लेट्स डू मार्केटिंग, दैट्स वेयर द ट्रेंड वाज गोइंग. सो डिड माय MBA, वहाँ पे जाके थोड़ा सा लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गया. गॉट टू यू नो सी अ लॉट ऑफ इनसाइड लर्निंग्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, हाउ डू लार्ज बिजनेसेस वर्क, हाउ डू बिग बिजनेसेस वर्क. फॉर्चुनेट इनफ इंटर्नशिप लॉरियल के साथ किया, HUL के साथ किया. तो एक बड़ा कंपनी, मार्केटिंग, HR, सेल्स, हाउ डज दिस ऑल थिंग्स फंक्शन. तो वहाँ पे थोड़ा बिग विजन मिल गया, बट अगेन अ स्लाइट अ डिफरेंट स्टोरी. Passed out during global recession 8-9. You know, ended up you know, working in insurance. वहाँ पे you know, worked out for 3 odd years. जितना कर सकता था किया, उसके बाद you know, decided to move on. And got a call for commercial real estate into business centers with Regus. Again, that was एक another turning point, क्योंकि यहाँ पे you know, the experience जो मुझे मिला was completely dealing with retail clients, day and night, and doing the entire PNL. So एक पूरा business center का entire PNL, entire business कैसे work होता है, क्या होता है, team कैसे चलता है, खर्चा, expenses, profitability, पूरा देख लिया, understand कर लिया, perform कर लिया. एंड एक दिन यू नो फॉर्चुनेट इनफ सीईओ के साथ रिव्यू था, तो यू नो ड्यूरिंग द रिव्यू काफ़ी सारी बातें निकली, एंड देन अंडरस्टूड कि मतलब कंक्लूजन्स निकले, वेर यू नो देवर सर्ट फाइटिंग, जो सीईओ वाज आल्सो सरप्राइज कि यू नो हाउ कुड वी मैनेज दिस पीएनएल. लीविंग द ऑफिस बारिश पड़ रही थी, वॉज वेटिंग फॉर इट टू, बिकॉज आई डेंट हैव एनी अम्ब्रेला.
तो सोचा कि यार इफ इतना फाइंडिंग समझ में आ रहा है बिजनेस इज सो कॉन्क्रीटली देन व्हाई डोंट वी डू समथिंग यू नो आवरसेल्फ्स यू नो फैमिली बैकग्राउंड इज आल्सो यू नो फ्रॉम ग्रैंडफादर्स सीईओ ने आपको प्रेस करके मिस्टेक कर दिया मतलब उससे अच्छा चुप बैठता था तो अच्छा रहता था उन्होंने कंटेंट कराया सो दैट वाज अ मोटिवेशन थिंग एंड फिर बारिश के रोमांटिक मौसम में यंग जवान लड़का क्या-क्या सोचना चाहिए उससे अच्छा बोलता है और पैसे कैसे छापूं मैं और पैसे कैसे छापूं आर यू आर लिविंग ट्रू टू योर सिंधी लाइन है यू आर सिंधी राइट यस तो हिंदुस्तान यूनिलीवर से फ्री में सीखा और किधर गया था लॉरियल से फ्री में सीखा या आपके सीईओ से फ्री में सीखा रिगस से फ्री में सीखा किसी को फीस नहीं दिया पर सब सीख लिया आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम यू नाउ हाउ टू गेट एजुकेशन वर्ल्ड एजुकेशन ग्लोबल एजुकेशन फॉर नथिंग हैट्स ऑफ टू यू बॉस ब्यूटीफुल सो बारिश के मौसम में आपने सोचा कि मैं खुद ही एंटरप्रेन्योर बन जाऊं अमेजिंग पैसे का बारिश कैसे कर रहे पैसे का बारिश कैसे कर सुपर्ब वेल सेड So that's a nice introduction, Amit ji. And Yogesh ji, आपका क्या अच्छा कुछ गर्मा गर्मी कुछ ऐसा कुछ है क्या story आपका? In fact, I did my graduation. Even I am born and brought up in Bombay. अच्छा. So we are family friends, me and Amit. So how long do you know each other? Since birth. Birth? मतलब एक cradle में आप था, एक cradle में आप था. बोल सकते हैं. Hello Yogesh. मतलब वो जन्मों जन्मों का रिश्ता. Yes. Very nice. सो चाइल्डहुड से हम लोग फ्रेंड्स हैं क्रिकेट खेलने से लेके स्टॉप पार्टी सब जो जो क्रिकेट में कितना झगड़ा करते थे अरे बहुत आई वाज नोन इन माय सोसाइटी फॉर बैटिंग लेके भाग जाने का बैटिंग करके भाग जाने का बैटिंग करके भाग जा इमेजिन वो ब्रेबोन स्टेडियम पे ऐसा करेगा तो विराट कोहली बैट लेके भाग रहा है कोई पकड़ो उसको So I did my graduation from Vivekananda College. Then after my graduation, वो फेज ऐसा था कि I did my graduation in the year 2000. So that was the trend. जब भी अगर आपको कुछ अच्छा job चाहिए कुछ तो you have to do some post graduation kind of thing. So honestly that time भी मैं इतना कुछ clear नहीं था क्या करना है. But मेरे को पता था कि कोई ना कोई job करने के लिए अच्छा job करने के लिए making good money you have to do MBA. So then I did my MBA from Vivekananda only and immediately after my MBA, I got an opportunity. Honestly, वो टाइम पे कैंपस में इतना कुछ ग्रेट जॉब्स था नहीं एंड फिर मैंने जॉब पोर्टल में अपलोड किया अपना CV. वहाँ पे मेरे को एक कॉल आया था ICICI Prudential से लाइफ इंश्योरेंस से सो आई वॉज इन टू माइंड वेदर लाइफ इंश्योरेंस जाना चाहिए कि नहीं वो भी वो टाइम पे प्राइवेट सेक्टर जस्ट एंटर हुआ था एंड अभी अगर हम लोग इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस बोलेंगे तो LIC वॉज अ डोमिनेंट प्लेयर तो वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी प्राइवेट पे ट्रस्ट वगैरह आना इतना इजी है या नहीं है पता नहीं ऑनेस्टली वो टाइम पे मैंने ज्वाइन किया ये सोच के कि एक दो महीना तो रोजी रोटी निकले निकल जाएगी एक दो महीना ट्रेनिंग भी वही हो जाएगा तो उसमें सैलरी आएगा थोड़ा पॉकेट मनी आएगा सेम डीएनए सेम है दोनों का तो एक महीना काम किया सेकेंड मंथ काम किया एंड देन थर्ड मंथ में उन लोग ने मेरे को जो चैनल दिया था दैट वॉज अ बैंक का चैनल सेलिंग इंश्योरेंस थ्रू बैंक ब्रांचेस सो And I got a bank branch which was ICICI Bank Mahalakshmi branch, which is just bank opposite to the race course. और coincidentally वो location भी ऐसा है कि it is more of a commercial dominant area. Mahalakshmi, उसमें उसको बोला गया सर मुझे तो यही मांगता है. तो starting में हम लोग जब लोगों को approach कर रहे थे तो इतना मतलब major challenge ये था कि इतना buying नहीं आ रहा था private insurance को लेके and all. But थैंकफुली बैंकिंग चैनल के थ्रू हम लोग जा रहे थे तो क्लाइंट्स अच्छे आ रहे थे जिनको हम लोग को आइडिया आ रहा था कि हाँ ये डिपॉजिट्स के लिए आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं तो दोज आर प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स तो उनको हम लोग को एनकैश करना मतलब कंपैरेटिवली मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा था मतलब कहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी आती है हम लोग एक विजन रखते हैं छोड़ते नहीं है फिर तो यहाँ पर ही अपॉर्चुनिटी दिख रही थी कि कोई भी क्लाइंट आया है डिपॉजिट के लिए तो वो टाइम पे बैंकिंग डिपॉजिट में जो रिटर्न्स आ रहा था वाज अराउंड 6% 7% सो ऐसे भी कुछ इंश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स थे मार्केट लिंक प्लान्स थे जहाँ पे डेट फंड्स में अराउंड 10-12% का रिटर्न आ रहा था तो वो अप्रोच करना स्टार्ट किया एंड देन दैट टाइम अच्छा ट्रांजैक्शंस हो रहे थे अच्छा इंसेंटिव आने लग गया एंड देखते ही देखते 11 मंथ्स हुआ था सो आई हैड नॉट इवन कम्प्लीटेड माई 1 year ऑफ माई जॉब एंड आई हैड मेड इंसेंटिव ऑफ आई स्टिल रिमेंबर दैट गोल्डन मोमेंट आई हैड मेड एन इंसेंटिव ऑफ लाइक 3.5 lakhs वाओ इन अ स्पैन ऑफ 11 मंथ्स दैट्स अमेजिंग एंड व्हाट डिड यू डू विद दैट मनी देन व्हाट आई थॉट गर्लफ्रेंड को शॉपिंग लेके गए कुछ नहीं बहुत कंजूस था
50,000 रुपया मैंने रख दिया था एक बैकअप के लिए एंड 3 लाख आई थॉट कि ये कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज थी मार्केट एंड ऑल, बट आई थॉट कि व्हाई डोंट टू बाय एन अपार्टमेंट. देन बिलीव मी, इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ माय जॉब इन माय लाइफ, नॉट इवन कंप्लीटेड 1 ईयर, इन 11 मंथ्स टाइम आई स्टिल रिमेंबर दोज गोल्डन टाइम. And I had bought an apartment which was worth 11 lakhs. Are you serious? Yes. Brilliant. So 3 lakhs ka down payment. What a vision. That's an. And how old were you? What was your age? That time my age was 26. Beautiful. What a vision, man. Hats off to you. Really. So. I mean, we at 26 years of age, we would think ke Switzerland jaye ya kahan par Europe jaye ghumne ke liye. But see, I think up the intelligent investor karke Warren Buffett ka, he's one of the mentors, and Warren Buffett recommends everybody Benjamin Franklin ki ye jo book hai, and even Rich Dad Poor Dad, they all say the same thing. Ke smart and intelligent and rich people think same. What they do is, what poor people do is they earn money, un log खर्चा कर लेते हैं, जो बचता है उससे इन्वेस्ट करते हैं. व्हाट स्मार्ट एंड रिच पीपल डू इज जब भी पैसा कमाते हैं पहले उसको इन्वेस्ट करते हैं, जो बचता है उसमें से खर्चा करते हैं. सो आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक फ्रॉम डे वन. या दैट्स अमेजिंग. सो एनी फाइनेंशियल गुरु ऑफ दैट ऑफ यू ऑल हैव, और आप लोग ऐसे वो DNA ऐसा वो हॉस्पिटल में, कौन सा हॉस्पिटल में कुछ इंजेक्शन स्पेशल मारा आपको ऐसा कि भाई इन लोग पहले से एकदम स्ट्रीट स्मार्ट बन के आए आप लोग? हाँ, हाउ लाइक ऑनेस्टली फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस बैकग्राउंड है, तो शुरू से थोड़ा ये सब चीज़ें. अच्छा, विच इज द बिजनेस बैकग्राउंड, क्या है आपका फैमिली का? सो माय फादर हैड अ बिजनेस ऑफ कन्फेक्शनरी. सो टेस्टी टेस्टी. सो विच माय एल्डर ब्रदर इज कंटिन्यूइंग दैट. अभी भी चालू है? हाँ, तो दो चार केक लाने का था ना, अच्छा दिखता था अभी टेबल के ऊपर, चॉकलेट्स मैन्युफैक्चरिंग का. वेरी नाइस, वेरी नाइस. Acha, and what about your father was a businessman or? Yeah, so my grandfather, he started a business of stainless steel products. Acha. And my father and his brothers continued that business, and that's still there. Stainless steel. Again, Achha. Having that knack of ki business karna hai, apna kuch karna hai, bada kuch karna hai. So isko we can call him man of steel karke. Superman. Very nice. Beautiful. So real estate in challenge business sector, आप कितने साल से हो? I think 12 years you said, right? 12 years. 12 साल हो गया. Yes. And how long do you intend to stay in real estate? For the life. Lifelong? Yes. 200 years. Yeah. Yeah. So 12 years means, I should say 12 plus 12, 24 years experience. Yes, it's safe to say that because when organizations count the experience, they count the cumulative experience of people. Absolutely. Do you have teams with you all also? Yeah, we do have team members. Team members you have. So we have a team of 47 real estate advisors. Yes. Real estate advisors. Yes. You control yourself from saying salespeople, right? Yeah. So why that change in thought? What has made you change that thought? Definitely, we very proudly say that we are advisors because selling is something what, honestly now, somebody is selling, सबके लिए वो purpose common नहीं होता है कि we are selling, we are selling, we are selling, whether it is developer or their closing managers or even channel partners. But when we say advisors, frankly speaking, any client who is coming to you and talking to you, every client, he is coming for the purpose of purchase only. But his requirement is different. Different clients have different requirements. So we have seen with our experience, there are clients that are coming to buy real estate for an investment. Hmm. There are clients who are buying property for their future security. There are clients who are buying property for their children's education. There are clients that are buying property for a recurring income. There are clients buying property for their child's marriage. Correct. Different clients have their different requirements. So we need to understand what is their requirement and accordingly you need to advise them. Because there are different products in the market. So it's not just only of just for heck of selling we want to sell. We need to advise. That is very important. Beautiful. I think it takes the pressure off the customer also. Correct. Okay, yaar ye mere ko bechne ko nahi aala. I mean nobody likes it. So like I was saying at the beginning of this show, any entrepreneur can use this thought process, teach your team not to sell, teach them to advise. It's a totally different. In fact, I'll just add to it, our thought process behind starting this has always been that, a market mein if a, client comes and, if there is a location, there are 8 projects. We ourselves are also very choosy of picking the projects ki, we want what projects we want to show. So, 8 projects are there, aisa nahi main usko sab 8 dikhaunga. That person who's come, he's working in his office full day. Usko ka time hai search karne ka, research karne ka. We are there in the market, we are searching. Wo 8 usko dikhaunga, if he sees this 8, when is he going to buy? So better we, curate
कि व्हाट इज एज पर योर रिक्वायरमेंट क्या चाहिए एंड आई विल जस्ट सी टू ऑफ देम एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट कि दो से ही यू आर गोइंग टू बाय बिकॉज इट मैचेस टू यू एंड देयर ऑल्सो वी यू नो विद दिस व्हेन वी स्टार्टेड वी सॉ दैट वी हैव अ पावर एंड कॉन्फिडेंस टू से नो वी डो यू डोंट नीड टू सी द थर्ड प्रोजेक्ट और अगर आपको देखना भी है तो आप देख लो डायरेक्टली किसी और से देख लो मैं नहीं दिखाऊंगा बिकॉज इट इज वेस्टिंग योर टाइम एंड आवर टाइम जस्ट टू एड व्हाट अमित सेड अगर वो आर्ट प्रोजेक्ट्स भी है अगर कोई इंटेंट रखता है कि मैं आर्टो दिखा दूं शायद उनमें से कुछ भी एक ले ले क्लाइंट लैंड अप्स गेटिंग कंफ्यूज्ड और वो कुछ भी नहीं लेते करेक्ट करेक्ट क्योंकि वो आर्टो प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता है एंड इट हैपेंस कि डेवलपर साइड में भी पता चल जाता है कि ये यहाँ पे विजिट करके आए यहाँ पे विजिट करके आए दैट अदर पर्सन ऑल्सो ट्राइज टू डीसेल द अदर प्रोडक्ट विच लैंड्स अप टू गेटिंग कंफ्यूज्ड द क्लाइंट इज गेटिंग कंफ्यूज्ड So, better we understand his requirement, his or her requirement, and accordingly you approach them. So, there is a phrase for this confusion. In English, mein wo jo paralysis of analysis. Kitna analyze kar do, paralyze ho jata hai. Kya karu yaar, main ruk jata hu. Do saal ke baad sochte hain. Nine product dale do. Main aur ek product dale do, aur confused ho jaunga main. Yeah, I feel actually sad for people. I remember one customer had come for 2 years. That customer was searching and searching. And then फिर क्या होता है सबसे जो worst जो दिल पे घाव आपने 2 साल पहले क्या प्राइस था अभी क्या प्राइस अभी 30-40 lakh का फर्क है इट्स नॉट इजी फॉर देम टू डाइजेस्ट आल्सो सो आई थिंक समवेयर वी शुड एजुकेट आवर कस्टमर्स वेरी इट्स गुड टू टेक योर टाइम डोंट बी इन अ रश पर इतना भी टाइम मत लो कि ना आधा जिंदगी बीत जाए उसमें और फिर 50 lakh 1 crore 2 crore ज्यादा देना पड़ रहा है आपको फिर वो हजम नहीं होता है देन यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समवेयर एंड देन इट्स ऑल अ मेस बेसिकली राइट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू विल सी इफ अ बायर एंड्स अप टेकिंग अ डिसीजन ना वो डिसीजन 100% गलत होता है वो रॉन्ग प्रोडक्ट लेगा जो उसका मैच ही नहीं होता है एंड देन ही करेक्ट 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 चलो सो टेल मी समथिंग वी ऑलवेज कीप गेटिंग दिस आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द लास्ट 2 decades आई एम फेसिंग दिस आर्ग्यूमेंट यू मस्ट हैव हर्ड दिस आर्ग्यूमेंट इक्वल और मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन मी के यार फ्लैट रेंट पे रहना चाहिए कि यार खुद रहना चाहिए आई वॉन्ट ईच ऑफ योर इंडिविजुअल व्यूज अमित यू कैन गो फर्स्ट एंड देन आई वुड लाइक टू हैव योर व्यूज ऑल्सो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच एज पर यू सी When it's a very, very favorite discussion, rent versus buy, but we firmly believe that, you know, one should at least have one home for their own security and safety at any point in time. Because India has always, or rather Mumbai has always been, you know, rental rates of what 2-3% what we are looking at. But after COVID, we've seen these rental, you know, yields to go about in the range of 5%. And, you know, some apartments we've seen 6% also. Yeah, in Bombay? Yes, in Bombay. Which micro market? So we are talking about Powai location, we are talking about Vadala location. So these are the rental yields that people are getting. So these kind of things then become, so rents are becoming pretty high, then it can A, become unaffordable, B, can become a miscalculation because at the same rate, if I'm getting a 5%, if I'm paying 5% as rental, I can add more 2.5% and I take a home loan and rather buy, it can be an ownership apartment rather than staying on rent. So, as you know, prices are increasing, if we are seeing typically in Mumbai and India, as prices are increasing, the aspirations to move into a newer home is increasing, we will definitely see the house prices, the rental prices going up. So, which is why always it's very, very important to have one home which is there in your safety name. Security. Safety, correct. Security. And I believe that, you know, if you see earlier generation, pehle ka generation se aap compare karoge, so the people who are well informed, wo log hi sirf ghar lete the, land lete the, plots lete the. Hamare friend circle mein humne bahut story suni ki, arre yaar, iske dadaji ne idhar plot liya tha, iske pita, dad ne idhar ek flat leke rakha tha. But they would be hardly maybe 1 out of 10 or 1 out of 20 people. But in today's world where there is more information, I think everybody should have that kind of an ownership because nobody should miss this bus of, you know, real estate where it's appreciating. You should always have as a safety and security, which I believe. Beautiful. I agree with you. At least one home, jo apna ghar kehlaya hai. Yes. Hamara khud ka jo bolte hai, wo jo warmth, where you get your warmth, yes. You get your love. So what is your point of view? So, I still firmly believe that there are the 3 basic necessities, what we say, food, clothing and shelter. Food and clothing is something which is any point of time you can have it. But shelter is something which you always have to plan it. And which is the most expensive part among the 3, I would say. So, agar hum log last 8-10 years ka agar scenario dekh lete, overall as a country, so there is a great hike in the disposable income. So, like we 3 sitting in the room, so we are talking about, अगर हम लोग अपना तीनों का एग्जाम्पल देख लेंगे तो हम लोग तीनों का 10 साल पहले जो इनकम था और आज है इट्स ऑलमोस्ट 4 folds और मे बी 5 folds.
और मे बी अबाउट दैट. सो बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा एक्सपेंसेस है ना वो इतना नहीं बढ़ा है. जो अगर 10 साल पहले इफ आई वॉज स्पेंडिंग लाइक 40,000 रुपीज, टुडे आई एम स्पेंडिंग अराउंड 70,000-80,000. Because you हमारे middle class roots है, correct. We are still stuck to those roots. Absolutely. Yes. So, I understand. अगर थोड़ा lifestyle के लिए कुछ spend भी कर लिया, तो वो extra जो 30-40 over the board नहीं रहेगा, वो medium में रहेगा. Correct. So remaining जो amount रह जाता है, मेरे को personally feel होता है कि when you buy a property, तो एक तो सबसे बड़ा advantage है कि in our country if you see ना, the rate of interest buying a house, housing loan का जो rate of interest है, वो आज भी सबसे सस्ता है. Somebody buying a personal loan, somebody buying a gold mortgage, कुछ लेते हैं और at the same time housing पे जाते हैं, तो it's like 8% and that gives a boost for anybody to put their money. And personally I feel that अगर किसी को कुछ lump sum create करना है value asset, they have to put money only in real estate. Correct. Because there are banks, they are facilitating to the extent of funding till 80%. There are sometimes banks which are also funding till 85%, depending upon their CIBIL and depending upon their income and all. So I think it's an opportunity. 15% ka to aadmi savings yahan wahan karke ek down payment kar hi sakta. Correct. And I also see Yogesh that रियल एस्टेट जैसे म्यूचुअल फंड में सिप आता है, वेयर दे आर एनकरेजिंग यू टू सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट, वी कैन ऑल्सो एनकरेज आवर बायर्स एंड ओनर्स एंड कस्टमर्स टू व्यू आवर EMIs एज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वेयर यू आर सेविंग. लाइक वी टॉक्ड अबाउट हाउ द रिच गेट रिच, दे इन्वेस्ट फर्स्ट एंड दे स्पेंड व्हाट्स लेफ्ट. सो वी कैन टेल सर इन्वेस्ट करो व्हाट्स लेफ्ट. It's a good habit. And I think one of the most beautiful things, mujhe jo pyara lagta hai real estate ka, we are leveraging our own future. Absolutely. Today we cannot go and buy the gold ke mera itna kamai hone wala hai, mereko 15 saal ke upar, you know, give me the gold. I cannot buy 100 lakhs of the gold. Correct. Based on this same logic. Correct. I cannot buy a car. And even if I do buy, most of the things which we buy will be a depreciating asset. Yes. You know, yes. Real estate is an appreciating asset. Tangible. And it's tangible. That's why it's called real estate. Right? So there's lots of beautiful things about real estate. Lots of beautiful things. And most important is, I believe, is the emotional aspect. Where, you know, I think rent mein jo apnapan jo hai wo ghar mein, jo hamare jo khud ke ghar mein, wo nahi milega. Yes, 100%. I feel so. Am I right? 100%. And during COVID also, we saw that a lot of people who are rent, they face difficulties. घर के अंदर आना नहीं है, यू नो, सिंस यू आर अ टेनेंट, देन देयर आर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन अ टेनेंट, यू कांट हैव दैट. सो आई थिंक होप इफ यू हैव ओन हाउस देन यू डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस व्हिच इज देयर. और खुद को भी एक सिक्योरिटी लगती है कि यस आई हैव माय ओन हाउस. So that answers the questions of anybody who would be interested in knowing. Always safe to buy and nice to buy own home. Coming to the future of real estate, one of the things which is adding the fuel to the momentum of the growth of the real estate. Today we are talking about a $5 trillion economy. I spoke to a very senior person in real estate today and I asked, do you really believe that India will become a superpower? Say yes, absolutely, we are no doubt about that. And a lot of the reasons that person gives, one of them was the infrastructure growth. Right. And if you see any superpower or any of the first world economies, they have always piggybacked on the infrastructure growth. First the infrastructure came, the roads came, the seaports came, the SEZs came, the coastal roads came, the metros came, and the connectivity came, and then real estate followed. Shadow follows the light. Once real estate grows, infrastructure grows, there's no looking back. So I think it's a basically essential fuel for growth of the economy and stability, not only of the individual, but of the nation also. Absolutely. Yeah. Besides, one thing I'm proud of is that real estate supports 150 other ancillary industries. So I always say, पैसा तो कमाते हैं, यस, बिकॉज वी नीड टू, यू नो, ब्रिंग द ब्रेड होम टू आवर फैमिली ऑल्सो, पर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी एक दुआ कमाने की भी, यू नो. सो टुडे इफ यू बाय अ लग्जरी कार, मे बी द लग्जरी कार पर्सन मे नॉट गिव द ब्लेसिंग्स, ओ आई गॉड ब्लेस दिस सेल्स गाय फॉर सेलिंग मी दिस BMW, गॉड ब्लेस दैट गाय फॉर सेलिंग मी दिस Maybach, राइट, यू नो. बट टुडे वी कैन, गॉड ब्लेस अमित, गॉड ब्लेस योगेश फॉर सेलिंग मी दिस ब्यूटिफुल होम. आई एम श्योर दैट ब्लेसिंग्स टुडे, यू विल नॉट बिलीव मी फ्रेंड्स, I bought my first home in Andheri East
आई थिंक 17 इयर्स बैक इफ आई रिमेंबर 2007 सो 39.3 कितना हुआ 16 इयर्स सो दिस 17 इयर्स बैक टिल टुडे आई सेंड वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस टू द डेवलपर आई एम सो हैप्पी इन दैट हाउस एंड आई फील सो वार्म्थ इन दैट होम लाइक थैंक गॉड दिस ये बिल्डर ने जो डेवलपर ने घर बनाया ना I send the positive vibes and blessings to him so because nice. I'm so happy over there. Nice. So I'm sure it must somewhere in the network of the universe must be reaching him. Those blessings must be reaching him. Maybe I don't get to call him and tell him, and I should have maybe. No. In fact, this is something that we experience also. Generally with our clients. There have been a lot of times where clients have called us and thanked us that this is the right home, this is the right place, this is the right project. And iske baad my success or my children are enjoying my children have enjoyed success. There have been incidences that ki one small incident happened that client of ours who was sitting in US, she had sent her parents to see the flat over here, and they really liked it and they bought it. And the parents, they are very from a humble background, and they said, "Can we also get a flat here because we would also like to live?" Because they had not seen all of this. How cute! So I said, "Of course, why not?" And the relationship became so strong that I only personally selected the flat that they had to buy. It's like you've taken this building, this is the floor, this unit. According to your age and everything. So, till today, every Diwali we call, and wish, and, they're very happy in staying in that place. Anmol, priceless, na? You can't put a value of money on this. Yeah, actually, jab hum log advise karte hai ya kuch bolte na, aap ye le lo, ye achha rahega. To hum log ye sochte hai ki if given a chance, we are buying for our own self. So that is how we take decision. Jo best filtered cheez aati hai, wohi hum log unko advise kar rahe hai. इससे अच्छा सच हो ही नहीं सकता. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम हैप्पी टू से दैट यू आर शेयरिंग योर थॉट्स. ग्रेट ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. सो बोमन साहब जो हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, हमारे पसी साहब है, चंद्रेश साहब जो दे ऑल थ्री बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे टेल अस द सेम थिंग. वी विल ओनली मेक होम्स विच वी आरसेल्व्स वुड स्टे 100%. हमारा फैमिली हम यहाँ पर नहीं रहे तो हम ये बनाएंगे नहीं ऐसा घर. सो हैट्स ऑफ टू यू एंड सल्यूट दैट. दिस इज कॉल्ड आई थिंक द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द इंटेग्रिटी. Which you Absolutely. People are, and no wonder it shows Absolutely. In your success. I'll tell you today, touchwood, God's grace, we have sold more than 900 odd apartments to date. There are under construction, there are ready to move in apartments. So most of the projects are already been delivered, people are already staying in happily. And God's grace, there is not even a single client who will say, ki, ye yaar, yahan pe kahan pe leke de diya, hum log kahan pe atak gaye. Ye kabhi hum log ko sunne ko nahin milega. So we want to see if we have 900 satisfied. Yes. So there are projects which are still under construction, but those are all are on track. Very important. So you do your due diligence. Yes. 100%. Yes. Otherwise we will not promote. We are being very, very choosy about it. Correct. So don't promote all the projects. You thoroughly study the project because honestly, Bombay is a city where even somebody is buying a 1 BHK. Is they are going to land up paying more than a crore. So that's the price which is going. It's not a joke. Not a joke. Somebody paying a crore, matlab unhone apna hardened money pura dal diya. And one thing we have noticed, irrespective of the ticket size, somebody buying a property which is a crore, somebody buying a property which is worth 10 crore, somebody buying a property which is worth 50 crores. Koi bhi property, koi bhi range mein le rahe, it is always a stretch. Somebody buying a property which is worth 10 crores. Perfect. हम लोग ने नोटिस किया है उनका एक्चुअली बजट 8 करोड़ रहता है, वो 2 करोड़ यहाँ वहाँ से सेविंग्स कुछ ना कुछ कर रहे, म्यूचुअल फंड रिडीम करेंगे, सेविंग्स निकाल देंगे. ब्यूटीफुल. तो वो स्ट्रेच होता ही है और हम लोग खुद पर्सनली चाहते हैं वो स्ट्रेच हो ताकि क्लाइंट भी कम्फर्ट में ना रहे, उन लोग थोड़ा और अपना कैपिटल इंक्रीज करे सो दैट उन लोग का भी वैल्यू क्रिएट हो रहा है, उनका एसेट क्रिएट हो रहा है. योगेश, कमिंग टू दैट, एक्सटेंडिंग दैट पॉइंट अहेड अबाउट whether it is a small property or big property, it's a stretch for whoever buys it. I would like to share one example which immediately comes to my mind. Hamara jo township, 200 acres plus township Virar mein, when we had launched many years back, I think it was 2009 if I remember correctly, and the first starting price was 9 lakhs, which is now that same 1 BHK which we sold for 9 lakhs, today it is at 40 lakhs plus. Wow. You can do the multiplication of more than 450%, 400% plus. So the first sale was very, you can say, well, then our sentimental sale है ना. जैसे हर बैट्समैन का जो वो सेंचुरी बैट्समैन भी होने तो पहला रन जो आता है उसका पहला रन के पहले वो जो एक बार वो एक रन भी ले लिया तो एक वो प्रेशर ऑफ हो जाता है कि मेरा खाता खुल गया. सो दैट सेम प्रेशर वी वर ऑल्सो फेसिंग कि यार एक खाता खुलना चाहिए. तो खाता कभी खुला, सो वन कस्टमर विलिंग टू गिव द चेक, तो उसने कंडीशन लगाया वो चेक देने के लिए प्री सेल्स के अंदर कि वो चेक मैं 4 बजे ही दूंगा. 4 या 4:30 मैं मॉर्निंग में दूंगा मुहूर्त. हाँ, मुहूर्त.
तो ये कंडीशन हमारे डायरेक्टर है ना परसी साहब, उसने सबको अनाउंस कर दिया कि जो पहला आदमी चेक देगा वो चेक मैं लूंगा उसके हाथ से और मैं मिलूंगा वो पहला कस्टमर। बट ही डिडंट नो कि ये कस्टमर ऐसा कंडीशन में था। तो उसने अनाउंस कर दिया परसी साहब ने, ऐसा मिला हम लोग को अफलातून कस्टमर, वो 4 बजे मुहूर्त में चेक 9 लाख रहा। सो अभी चुलबुल पांडे क्या बोलता है, एक बार अपने जमान दे दी, कमिटमेंट दे दी कर दी तो अपन खुद का भी नहीं सुनता। तो परसी सर भी अपना चुलबुल पांडे से कम नहीं है, बोला अकबर मैं मिलेगा 4 बजे तो 4 बजे, 4:30 बजे तो 4:30 बजे। ऑफिस में आया हमारा डायरेक्टर, वो कोई रिक्शा वाला है तो सम यू नो वेरी बेसिक गुड ह्यूमन बींग एंड डिग्निटी ऑफ लेबर वी रिस्पेक्ट द वेरी ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन, चाय पे चर्चा उन लोग ने साथ में किया। दे टुक दैट 9 लाख का वो जो भी 10% मस्ट हैव बीन 80-90,000। That is a respect my director gave to that person. And when that my director heard the story of that person now, that's what he told all of us. ये जो 9 लाख का जो है उसके लिए for him it's a 9 करोड़ का जो धक्का लगेगा 9 करोड़ वाले को उतना भी उतना ही धक्का ये 9 लाख वाले को भी लग रहा है। Same level of stress. So I'm very happy you mentioned that point because we have seen this experience ourselves also many times. Very very good you brought. We are experiencing even now. And we are encouraging. Yeah. We are really encouraging. You have any example like this where you all went, like one broker also told me, my friend Pradeep Shetty, he told me once ke like this only wo murat kisi ka rehta hai, 4:30 in the morning bolta main check dega, to Borivali se early he went at 4:30 in the morning, fir he waited down at the building, said sir main to wo to 4 baje pahunch gaya to check dene ke liye, to main to udhar hi so jaa boriya bistar leke camp karega na udhar, to that's a respect I think a lot of the successful people like you. So you have any story of yours like this jo ekdam hatke thoda aisa कोई कस्टमर ने कुछ वियर्ड रिक्वेस्ट किया? नहीं बट वैसा नहीं है, बट एक दूसरा एक इंसिडेंट ऐसा है कि हम लोग आई थिंक इट वाज 2015 देयर इज अ प्रोजेक्ट बाय गोदरेज कॉल्ड ट्रीज व्हिच वाज बीन लॉन्च्ड इन विक्रोली एंड आई थिंक दैट टाइम हम लोग काफी मार्केटिंग कर रहे थे, कॉल्स, फोन कॉल्स एंड ऑल। वो टाइम पे हम लोग डिजिटल इतना स्पेंड नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड ऑल, बट हम लोग कॉलिंग से कुछ कर रहे थे काम एंड ऑल। तो उसमें एक क्लाइंट है, वो हम लोग को NRI क्लाइंट था लेकिन उनका इंडियन नंबर भी था। तो उनके इंडियन नंबर पे मैंने कॉल किया था, मेरे को नहीं पता था वो NRI है। तो हम लोग ने एक आराम से 15-20 मिनट्स बात किया और आई थिंक मोर देन हाफ एन आवर बात हो गया था, डिस्कशन हो गया था। एंड जो ट्रीज का वन ऑफ द लार्जेस्ट अपार्टमेंट था विच वॉज अ ड्यूप्ले, सो वो पिच किया क्लाइंट को, वो उनका थोड़ा सा नीड वैसा लग रहा था। तो ऑलमोस्ट वो कॉन्वर्जेशन 25-30 मिनट्स का हो गया। तो क्लाइंट बोल रहे कि ठीक है योगेश, आई विल सेंड यू अ DD एंड देन यू कैन ब्लॉक दिस यूनिट। फोन के ऊपर ही? हाँ, बिना मिले, बिना प्रॉपर्टी देखे। आई स्वेयर, बिना मिले तो ठीक है, बिना प्रॉपर्टी देखे। एंड वो टाइम पे ऑनेस्टली 2015 में जूम एंड इतना कोई डिजिटल कॉल्स और टीम मीटिंग्स और वो सब था नहीं, वो सब तो हम लोग कॉल रिकॉर्डिंग करने का था ना, सोने का भाव मिलता था वो रिकॉर्डिंग का। ट्रस्ट मी, क्लाइंट ने DD भेजा हमारे ऑफिस एड्रेस में। जब तक उन्होंने ऐसे ही बोला हाँ मैं भेजूंगा, तो मेरे को लगा कि शायद जोक कर रहा है, खींच रहा है मेरे। वो तो ऐसा, तो और वो DD भी भेजा 21 लाख का एंड इट वाज अ नॉन रिफंडेबल, मतलब अगर वो डिपॉजिट हो गया कल उनको नहीं पसंद आया। माय गुडनेस, तो अनहर्ड ऑफ। मैं और अमित हम लोग सोच रहे हैं क्या करें क्या करें, डिपॉजिट करेंगे कि नहीं, 9.5 करोड़ का सुपारी कटेगी साला मेरा पैसा, 9.5 करोड़ का डील है, DD डालेगा नहीं। फिर लगा यार 21 लाख का अगर कल उनको पसंद नहीं आया तो थोड़ा गलत हो जाएगा, थोड़ा इनजस्टिस हो जाएगा क्लाइंट को लेकर। तो और बातों में पता चला कि क्लाइंट वो 20-25 डेज के बाद बॉम्बे आने वाले हैं। तो DD का वैलिडिटी था 3 महीने का, उन्होंने बोला एटलीस्ट वो DD हम लोग ने टीम को दिखा दिया था वहाँ पे डेवलपर को, देखो ये DD है बट क्लाइंट के हाथ से ही देना है करके ऐसा उनको स्टोरी दे दिया। तो डेवलपर ने वो यूनिट को ब्लॉक कर दिया, क्लाइंट आए, हमने उनको लोकेशन, प्रॉपर्टी, पूरा एक्सपीरियंस दिखा दिया। तो ही वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि इट्स अ नाइस डिसीजन एंड थैंक्स फॉर द एडवाइस एंड ऑल। तो वो टाइम पे वो मतलब इतना हम लोग डरे थे कि वो हम लोग DD ऑफिस में भी नहीं रख रहे थे, 21 लाख का DD तो मिसप्लेस हो जाएगा। तो उनको क्या पता हम लोग ज्यादा डर रहे थे ये चीज को लेके। तो हम लोग ने बोला क्लाइंट को कि नहीं सर, हम लोग चाहते थे कि आप अपने हाथ से ये बुकिंग कीजिए। तो दैट इज हाउ वी डिड दैट। तो वो चीज आज भी हम लोग याद करते हैं तो
कहाँ ना कहाँ गोल्डन मेमोरीज आ जाते हैं. अमेजिंग, हां रियली अमेजिंग. पर आपने वो कॉल पे क्या बोला कि इतना ट्रस्ट आ गया वो कस्टमर को आपके? एक्चुअली एक ये है कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो उसके पहले हम लोग बहुत थरली स्टडी करते हैं. थरली मतलब उस लेवल पे जाते हैं कि वी रिस्पेक्ट व्हाट डेवलपर्स हैव नॉलेज अबाउट, बट वी मेक श्योर दैट हम लोग को एक दो पॉइंट डेवलपर से भी ज़्यादा पता रहना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में. तो उस एक्सटेंड तक जाते हैं हम लोग. तो प्रोजेक्ट को हम लोग ने बहुत थरली स्टडी किया था. अगर क्लाइंट से जब हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उनका नीड है कि पीसफुल एरिया चाहिए था, ग्रीनरी ज़्यादा रहना चाहिए था, लो डेंसिटी रहना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोब करते हैं, उनसे आइडिया ले लेते हैं, अकॉर्डिंगली वी विल बी एबल टू एडवाइस, अदरवाइज हम लोग उनको एडवाइस नहीं दे सकेंगे. तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनके रिक्वायरमेंट से एकदम परफेक्ट मैच हो रही थी, परफेक्ट मैच हो रही थी. इज अ बिजनेस पर्सन तो उनको एक साथ लमसम पूरा पैसा नहीं देने का था 9.5 करोड़, उनको इवेंचुअली इन द स्प्रेड ऑफ 3.5-4 years देना था. और प्रोजेक्ट जस्ट स्टार्ट हुआ था तो उनका भी टाइमलाइन मैच हो रहा था, पेमेंट शेड्यूल मैच हो रहा था, साइज लोकेशन रिक्वायरमेंट मैच हो रहा था. तो इनफैक्ट वन थिंग, यू नो, शुरू से ही हम लोग का ये रहा है कि यू नो यू शुड ऑलवेज स्टडी द लेआउट्स. तो यू नो व्हेन वी आर सिटिंग विद अ क्लाइंट और मे बी वी आर एक्सप्लेनिंग टू अ क्लाइंट, मतलब लेआउट्स हमको ए टावर में क्या है, बी टावर में क्या है, कितना यूनिट है, बेडरूम का साइज कितना है, लिविंग रूम का साइज कितना है, ये छोटा है बड़ा, सो वी नो थरो इन एंड आउट. तो वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द डेवलपर की यार इनको कौन सा अच्छा लग रहा है यार, दे टेक द डिसीजन. सो वी बिकम एन एसेट की हम साथ में डिसीजन ले सकते हैं. सो विच इज वाई वो चीज़ बहुत ईजिली उनको हेल्प हो गया कि ठीक है, यूनिट भी मुझे ठीक लग रहा है, साइज भी मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि हमको आइडिया था. तो वो चीज़ जो पूरा इन एंड आउट कोर प्रोडक्ट का था, दैट्स वॉट वी ट्राई टू गिव टू एनी क्लाइंट और give them an understanding that 80% sale हमारा उधर ही, we close it on the phone. Homework करके जाओ. Yes. और उसे school में किया नहीं, college में नहीं किया, इधर करने का, क्योंकि इधर बढ़ना पड़ेगा. आपका conversion देखो, effort same ही रहता है, लेकिन आपका conversion ratio बहुत अच्छा बढ़ जाता है. मतलब सेम एफर्ट डालना है आपको, सब कुछ करना है. तो why don't you advise in a right way कि उनका need based अगर आप चीज़ बोलते हो ना तो उनका decision fast हो जाता है. Correct, correct. और उनका decision right हो जाता है. It is in the right direction. कन्वर्जन रेशियो ज़्यादा हो जाएगा तो सेम एफर्ट्स, सेम मार्केटिंग कॉस्ट, योर प्रॉफिट्स आर हायर. आई विश मोर पीपल वुड अंडरस्टैंड दैट. आई ऑलवेज टेल पीपल फोकस मोर ऑन द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी. सो यू ब्रिंग 10 कस्टमर्स, यू गेट 2 कन्वर्जन्स, डू द होमवर्क, यू विल गेट 3-4 कन्वर्जन्स. एफर्ट तो उतना ही है, फिक्स कॉस्ट उतना ही है, प्रॉफिट डबल हो रहा है. वी आर प्राउड टू से आवर कन्वर्जन रेशियो इज मोर देन 23%. आर यू सीरियस? यस, मोर देन 23%. दैट इज अनहर्ड ऑफ. वाओ, सैल्यूट, सैल्यूट. वाओ, वाओ. 90% ऑफ द डेवलपर्स विल नो, दे नो दैट इफ द विजिट इज थ्रू रियो द चांसेस ऑफ क्लोजिंग इज वेरी वेरी लो. डेवलपर का भी कन्वर्जन नहीं है. डेवलपर का एवरेज आप देखोगे तो अराउंड 6-7% ऑन अ हायर साइड. No, you're talking about across the categories, like mass housing, say, like a luxury or aspiration, yeah. All mixed. Average, I'm talking about. Averagely, we are talking that's about. That's beautiful. That means, if you're saying 23 is the average, which means that certain places are, supposing in mass, it must be even 30-40% also. Yes, yes. So there was a project in Jambur. So, वहाँ पर हमारा launch में conversion was 38%. Ah, there you are. Wow, mind blowing. एक अपना फिल्म फेयर अवार्ड नहीं है ना रियल एस्टेट में, नहीं तो आप लोग को मिलता था. अच्छा, दोनों जन को लाइक ऑस्कर ऑफ द अमेजिंग अमेजिंग. सो दिस कन्वर्शन इज नाउ, तो यू आर सेइंग आपके तो कितना 47 के टीम मेंबर्स है. वन सी टुडे यू पीपल आर सो पर्टिकुलर, आप लोग होमवर्क, ये पूरी टीम को ये कैसे सिखा सकते हो, आपके लेआउट सीख के जाओ, ये हाउ डू यू मैनेज दैट अमित? सो बेसिकली क्या, अगर ग्रोथ करना है और साइड बाय साइड, यू नो, इफ यू वांट टू ग्रो एंड यू वांट टू हैव द सेम एटीट्यूड एज अस, बीइंग कस्टमर सेंट्रिक, हैविंग द नॉलेज, हैविंग द विजडम टू गिव, तो काना का ऑब्वियसली दैट्स अ चैलेंज विच हम लोग समझ गए कि ये रहेगा. बट बोथ ऑफ अस हैव बीन वेरी हैंड्स ऑन इन द बिजनेस राइट फ्रॉम डे वन. पहले 3 साल तक तो वी डिडंट हैव एनीवन. सो 2013 व्हेन वी स्टार्टेड, 3 साल तक वी वर द कॉलर, वी वर द वन हु इज डूइंग द विजिट्स, वी वर द वन हु वाज मेकिंग एवरीथिंग, पेपर इंसर्ट्स, चेयरमैन टू वॉचमैन, चेयरमैन टू वॉचमैन, 4 o'clock. अच्छा, पेपर इंसर्ट्स भी, पेपर इंसर्ट्स. सो पूरा, सो वी नो द एंटायर ग्राउंड वर्क, व्हाट इज देयर टू डू सेल्स, that what is there to do business. So sara cheez, so humko pura idea hai. So we make sure that, which is why we, when it comes to hiring, we become very choosy. Matlab kisi ko bhi, you know, just for the garb of, you know, filling in the seats, we don't want to do that. We personally invest time in training them. Unke sath meetings bhi jate hain ki hamara jo language hai, hamara jo thought process hai, they also talk the same. Achha. And
वन थिंग जो हम लोग बहुत बिलीव करते हैं, यू शुड एड वैल्यू टू द कस्टमर. करेक्ट. आपका काम नहीं है कि यू नो आप क्लाइंट को बात करो, ये प्रोजेक्ट बताओ और वहाँ पे आके छोड़ दो. यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू एड वैल्यू. एंड हम विद इन द टीम भी डिस्कस करते हैं कि ये प्रोजेक्ट का, सो एवरी वीकली वी हैव डिस्कशन दैट कि ये प्रोजेक्ट का ये गुड पॉइंट्स है, ये प्रोजेक्ट का ये गुड पॉइंट्स है. हमारा इंटरनल प्रेजेंटेशन होता है. सो दिस इज वाई वी आर एबल टू ब्रिंग एडिशनल थिंग्स टू द टेबल एंड ट्रेन द टीम एज वेल. ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, परफेक्ट. ये सब अपने किधर से हो? रिगस, रिगस हिंदुस्तानी लॉरियल से सीख सीख के आया बेचारा. उन लोग देखते रह गए और योगा चले गया. पीपल आर टॉकिंग अबाउट ट्रांस हार्बर लिंक टुडे, वी आर टॉकिंग अबाउट 7 years बैक. हाँ, तो अभी इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाओ. इतने सच विजनरीज, वी नीड विजनरीज लाइक दिस. वेरी नाइस बॉस, वेरी नाइस. What is your thought process on, like I was talking about, one of the boosters for the momentum of the economy and real estate is a prop tech, jo bolna property technology. Correct. What is your view on property technology, Yogesh, and how it is helping our industry? It is really helping because under construction mein na prop tech काफी help and support करता है. Like client को अगर drone view देखना है या sample apartment का एक experience देना है जो ऑडियो वीडियो में रहता है, एंड लेआउट्स अगर आपको डिजिटल वे में उनको दिखाना है, तो दिस इज़ रियली हेल्पिंग टू टेक द डिसीजन इन अ क्विक वे. लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन है, फ्लैट लैंड है, हम लोग बोलते हैं इट इज़ फेसिंग द सी, इट इज़ फेसिंग द मैंग्रोव्स एंड ऑल. सो ऑब्वियसली इफ इट इज़ अ हाई राइज टावर लाइक हाउ रुस्तम जी क्राउन इज, वी आर टॉकिंग अबाउट 68 फ्लोर टावर. ऑब्वियसली 15th फ्लोर से एक व्यू रहेगा, 30th फ्लोर से एक व्यू रहेगा, एंड 68th फ्लोर से एक व्यू रहेगा. इट्स नॉट कि हर एक फ्लोर से सेम व्यू रहेगा. सो ड्रोन व्यू अगर फ्लैट लैंड है वो टाइम पे, अभी तो टावर रेडी है क्राउन में, अगर वो मान लो अगर वो 4 साल पहले की बात करें या 5 साल पहले, तो वो टाइम पे ये सारी चीज़ें हैं जो क्लाइंट को हेल्प करती है डिसीजन लेने में कि मैं आई वॉन्ट अ नाइस क्लियर सी व्यू, सो आई थिंक हायर फ्लोर वुड बी बेटर. तो ड्रोन व्यू हम लोग को हेल्प करता है बताने में कि 68th फ्लोर से ये व्यू आने वाला है. एक्चुअल व्यू का हम लोग को एक्सपीरियंस मिल जाता है विदाउट इवन कंस्ट्रक्शन. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. सो दिस इज, और वो कहीं ना कहीं क्लाइंट को हेल्प करता है और उनको कॉन्फिडेंस देता है कि आप ये कॉल ले सकते हो, ये व्यू है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. व्हाट अबाउट यू अमित? एंड इनफैक्ट यू नो एडिंग टू दैट, बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन एंड द प्रॉपटेक व्हिच इज देयर, we know all the past history of a project, whether what's the price been, what was the transaction been. So things are become very very transparent. Even RERA ki website mein jaoge to aapko sara documents mil jata hai, which is there. So in the a decision making of a client ki ye price pe hua hai transaction, decision making price has become very very easy for them. Okay. unka confidence bhi badh jata hai na. RERA mein ekdam transparent hai, kuch litigation hai ya nahi hai property mein, anything we talk about, if there is a delay, what is the delay, उन्होंने इनिशियल क्या डेट डाला था रेरा में, अभी क्या डेट है, चीजें, थिंग्स बिकम वेरी ट्रांसपेरेंट. करेक्ट, करेक्ट. ट्रांसपेरेंसी ब्रीड्स ट्रस्ट. एब्सोल्युटली, इट शोज यू हैव नथिंग टू हाइड. करेक्ट, एंड पीपल आर पुटिंग लाइफ टाइम मनी, आगे का फ्यूचर अर्निंग्स भी उसमें डालने वाले. मोस्ट एक्सपेंसिव परचेस ऑफ योर लाइफ. वी हैव टू टेक, आई थिंक इट्स सच एन इंपॉर्टेंट रोल. And I tell every realtor that we should be extremely proud of what we are doing. 100%. हम लोग घर बेच नहीं रहे, हम घर बसा रहे हैं. किसी का दुआ कमाना is not a joke in today's world. कलयुग के जमाने में to get a blessings of people is, I would say, it's like doing God's work. Yes. So I think it's a beautiful industry to be in, where you not only you prosper, but you are helping your customers to prosper also. And one of the many many things about the beauty of the buying real estate is, it's maybe the percentage can be big or small, but it's all over a period of 10 years it will always appreciate. Yes. I challenge anyone to find me one apartment in entire world or India where usne 10 saal pehle kharida hai aur us kam price mein aaj bik raha hai. Correct. But you cannot say the same thing for the white goods or any other purchase in your life. It's just having a depreciation value. So it's all on the contrary, it's a depreciation. Absolutely. Yes, absolutely. In fact, housing loan is very common for people. तो उनको टैक्स सेविंग भी कहीं ना कहीं उनका अच्छा हो जाता है, उनका टैक्स प्लानिंग हो जाता है. एग्जैक्टली. इंटरेस्ट में भी जो इंटरेस्ट देते हैं हम लोग, उस पे उनका सेविंग्स होता है. एटीसी में सेविंग्स हो जाता है. करेक्ट, करेक्ट. आई थिंक वी शुड, ये मैं पहले करता था, गुड यू रिमाइंडेड मी ऑफ इट. आई यूज टू टीच माई सेल्स टीम ऑल्सो, एंड के वेन यू आर शोइंग द प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन टू द कस्टमर्स, यू शुड इंक्लूड दिस. ऑफ कोर्स, इट इज एक्चुअल, इट इज नॉट नोशनल.
हस्बैंड वाइफ को कितना 3-3 लाख प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे 3 लाख 3 लाख तो 6 लाख एक जन का टैक्स सेविंग हुआ ओवर अ 10 ईयर पीरियड इट्स हाउ मेनी 60 लाख एंड 15 साल का तो एवरेज लोन पीरियड 10-15 साल 60 लाख इज नॉट अ जोक इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट यू शुड ऐड दिस टू योर आइदर यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ डिस्काउंट और इट्स अ एप्रिसिएशन यू शुड बी काउंटिंग इन दैट नो करेक्ट अदरवाइज उतना तो टैक्स देते ही थे एग्जैक्टली सो दैट्स अ गुड एंगल थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट मे बी यू शुड ऐड दैट टू आवर प्राइस शीट आल्सो ग्रेट 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 सो अभी आपने बताया ये कस्टमर का अच्छा स्टोरी सुनाया आपने ऑन द फोन यू क्लोज 900 लाख रुपी दैट्स माइंड ब्लोइंग आर यू स्टिल इन टच विद दैट कस्टमर यस यस सेकंड होम फ्रॉम अस नाउ ही इज बाइंग अ सेकंड होम आल्सो यस अच्छा 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 अभी तो वो तो जाएगा नहीं किधर और दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट जो एक बार उसने ट्रस्ट देख लिया अभी कितने भी ब्रोकर कहाँ से भी फोन करेंगे आई थिंक ही विल नॉट लीव ना अभी वो लट लग गई रे होगा प्रीमियम की So would it be safe to say that Amit and Yogesh that if I had to ask you for what is your differentiator this that added personal touch that transparency you're going out of the way for helping customers you're being there for the customers basically being service oriented is a differentiator of yours would you agree to that or is there in addition to that would you like to share anything so आपका differentiator the major differentiator what we have is what we say proudly is advisory whatever it is Honestly, in one word, I would say it is justice to the customers. Beautiful. It is justice to the customer. वो justice the this ये आपका जो intent है कि मुझे customer का I value that customer's money as if it was my own money. Absolutely. I will give the customer the same house that I would myself and my family would live in. It's a kind of a respect you are giving. Absolutely. And वो customer को वो respect feel होता है. Yeah. And in return, I think they give you that trust because of the respect that you have given them. We don't have fear of loss. Beautiful. Beautiful. Never. Beautiful. Never. That is the being real proud and it's a mark of a true professional. Yes. मतलब इट्स लाइक विराट कोहली गेटिंग स्केर्ड ऑफ द बॉल देन हाउ विल ही स्कोर द रन क्या करेगा मेरे को डर लगा भागो सो दैट्स ब्यूटीफुल दैट्स यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम नॉट एरोगेंस बट फ्रॉम सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राइड व्हिच इज डिफरेंट देन एरोगेंस सो दैट्स अ ब्यूटीफुल बैलेंस यू हैव फाउंड फॉर योरसेल्फ लॉट्स टू लर्न फ्रॉम दीज टू यंग जेंटलमैन अ लॉन्ग वे टू गो सो लॉट ऑफ दीज I would say, you know, troll. I don't know where they got this word from, trolls. And some people only see negative. Like if you draw, if you take a piece of aisa bada white paper, aap lenge. Suppose I take this white paper and I put one small dot. Aisa kala color ka main dabba laga dunga and I tell people, kya dikhta hai aapko? Bolega arre kala dabba dikh raha hai. Matlab 99% of the paper is white. Wo dikhega nahi, par wo kala dabba dikhega. So a lot of these negative people, they say, yaar, to ek na ek din to saturation ho jayega, chalne wala nahi hai. So what do you have to say for such kind of people like who say saturation ho jayega real estate mein? What is your point of view on that, Amit? You can go. First of all, jo aapne example diya ki wo kala tika. तो हम लोग बोले कि वो काला टीका वो व्हाइट को नजर बचाने के लिए सुपर क्लास दैट्स पॉजिटिव थिंकिंग ब्यूटीफुल ही इज द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन आई नो वैसे जानता हूं उसको अमेजिंग वाज किसी भी चीज में कोई भी सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढा योगेश को पूछो आपने खुद भी काला टीका लगाया चेक करना पड़ेगा किधर सुपर बॉस वेरी गुड एटीट्यूड सो व्हेन वी आर सेइंग सैचुरेशन थैंकफुली वी आर इन अ मेट्रो सिटी बॉम्बे which is a financial capital city of our country, which is full of money exactly. and full of opportunity. oh yeah, you can say that. So, अभी हम लोग ने last around 8-9 years में ना trend देखा है. Of course, ये trend तो काफ़ी पहले से आ रहा रहेगा, but हम लोग ने जो notice किया है कि अभी dual income वाला concept आया हुआ है. Husband wife both are working. Things are getting little costlier. And people feel that हम लोग को बच्चों को अच्छे school में भेजना है. तो husband wife both are working. So When both are working, तो उस केस में क्या हो जाता है दे ऑलवेज वॉन्ट दैट वी शुड अपग्रेड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड ऑन बिल्डिंग टू अ कॉम्प्लेक्स सो वेन वी आर मूविंग फ्रॉम अ स्टैंडर्ड ऑन टू अ कॉम्प्लेक्स सो यू फील दैट सिक्योरिटी है फॉर एल्डरली पेरेंट्स इन द हाउस स्मॉल किड्स इन द हाउस सो गेटेड कम्युनिटी में क्या हो जाता है एक तो बच्चों का और बड़ों का एल्डरली पेरेंट्स का भी टाइम पास हो जाता है एम्यूनिटीज सब कुछ अंदर रहता है और स्टैंडर्ड ऑन बिल्डिंग में सेफ्टी उतना नहीं रहता है कोई भी अंदर आ गया एंटर कर लिया एंड ऑल वेर एज गेटेड कम्युनिटी में देर आर रैम्स देर आर सिक्योरिटीज देर आर थ्री सेक्यूरिटीज आर सिक्योरिटी कैमराज एवरीथिंग इज देर सो अगर हम लोग जब सैचुरेशन की बात करें तो हम लोग इनफैक्ट बोल रहे हैं कि नाउ देर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एन अनटैप्ड मार्केट सो ऑल द पीपल मेजरली हु आर इन स्टैंडर्ड ऑन ऑलवेज विल हैव अ डिजायर टू मूव फ्रॉम अ स्टैंडर्ड ऑन टू अ कॉम्प्लेक्स
परफेक्ट सो सैचुरेशन नहीं है, अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है. और जो स्टैंड अलोन छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी वो क्लब होके क्लस्टर रीडेवलपमेंट्स हो रही है, वो ट्रेंड आ गया. इनफैक्ट करेक्ट. इनफैक्ट यू नो टू ऐड टू इट, अगर आप देखोगे ना, सो द हाउसेज दैट वी हैव बीन लिविंग इन, यू नो दे वर ऑल बिल्ट 40-50 ईयर्स बैक. सो यू नो यू वुड से दैट यू नो गुड साइजेबल चंक ऑफ मुंबई इज लिविंग इन दिस 40-50 ईयर ओल्ड बिल्डिंग्स. नाउ दोज बिल्डिंग्स टाइम हैज कम टू गेट आउट ऑफ इट, गेट देम रीडेवलप्ड और मूव आउट ऑफ इट इफ इट्स नॉट गेटिंग रीडेवलप्ड. तो people who are living in over there, they also are fed up that, you know, they also want, they've seen, you know, people around moving into a complex, to a better lifestyle, to a better amenities for themselves, for their children, for their parents. So, wo time ho gaya ki people are seeing that aspiration that I also want to live. So, there's a huge market, you know, untapped it is. Untapped, which is there and which we will see, we are seeing this shift which is there. Especially after COVID, because logo thode bade ghar chahiye, better amenities chahiye. यू नो इतना सब हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं तो सबका डिजायर बहुत बढ़ गया है. एंड एडेड टू आवर ड्यूअल इनकम से सो दैट आल्सो गिव्स अ कपल अ कॉन्फिडेंस दैट यू नो लेट्स डू समथिंग टुगेदर, लेट्स मेक अ बेटर इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. एंड इट्स एन अपग्रेड बेसिकली. अपग्रेड. सो आई थिंक इफ यू हैव टू गो एंड आस्क 1000 कस्टमर्स हु हैव ऑलरेडी बॉट विद यू के वुड यू नॉट वांट टू बाय अ सेकंड होम मे बी आफ्टर 5-10 इयर्स, हाउ मेनी ऑफ देम वुड से नो? I would say 70% would say, yeah, of course. We are, yes, they yes, already yes, have started yes, planning their thoughts. Yes, absolutely. So, if somebody has 100 rupees in the pocket, they don't put all the 100 rupees in the stock market, right? Correct. They will diversify. So, in fact, now the trend, if you see the way people are making money in stock, they are trying and being very smart. What they are doing is, ultimately, it's a volatile market when we talk about stock. So, they are booking good amount of profit. Parking in real estate, getting a recurring income. Very nice. And again, people, you know, trading, booking the profits. Stability. So they are going from volatile to stability, volatile to stability. Yes. Very it nice. Is securing and creating capital. I think that's a basic human need. A little bit psychology I've studied. So I read somewhere in the book a question. What is the most, sabse jyada human, strongest human need? Emotional need kya hai? So people say love and all these things, but love abhi baad mein aata hai. I'm not discounting the power of love. Yes. It is important, but it comes second, third, fourth. Yes. First, above love, which is the most powerful human need? So self-preservation. Self-preservation. Matlab, to preserve your own self. If you are dead, then who will you love and who will love you? Murde ko kon love karta hai bhai? Samjha ke nahi? So self-preservation is a stronger emotion than love. So the need to secure yourself, it's the most powerful need. Absolutely. Which overpowers even the love will come second. So I think real estate addresses that basic primal human need, and that's a beauty, and that's why, one of the reasons why I think we will never go out of vogue and the market will continue. And somebody shared with me sometime back also that there are so many modes of the real estate. Na, aisa, like you said, standalone ek hai, gated community hai, fir students abhi housing aa raha hai, fir fractional ownership aa raha hai, and then what are second homes and like old age homes and condominiums and you know service apartments and there's so many ways. Like cars ki kitni varieties hoti hai, ghar ki utni sari bhi variety aa rahi hai. So and everybody is addressing a separate need. Yes, absolutely. So it's endless cycle for us. Beautiful. So your company's name is Ryoga Premium, right? तो पहले तो आपने premium करके क्यों choose किया और Ryoga का meaning क्या होता है? One of you can answer why Ryoga, you can answer why premium. So why Ryoga? So Ryoga because you know Ryoga is an Irish word which means royal. Irish girlfriend थी क्या? Travel बहुत करता. उसका passport दिखना पड़ेगा. Ireland का भी गया था. So you know royal and so we treat our clients as royal and we wish to give them that royal service which is there. So this is where the treat your customers as royalty. How beautiful. So royal clients with premium service. Wow. That is how the name came. Ryoga Premium. Beautiful. Beautiful. Love. Very nice. So, such a thoughtful. Very nice. Very nice. I feel that personally we feel that there is a pampering required to the customers. Very nice. With integrity, with honesty, with 100%. Well said, well said. Yeah, तो लग्जरी कस्टमर है, लाइक यू सेड,
it's the biggest and the most expensive purchase of the life. Abhi, if somebody goes to buy a Rolex watch, jo shayad 2 lakh ka, 3 lakh ka, 5 lakh, how much pampering expectation? Correct. Hum Louis Vuitton ka showroom mein jayenge to wo customer ko aisa lagega ki aake koi aisa haath paon ke upar massage karna chahe aisa, you know. So you feel like a king or a queen when you walk through, because you're expecting that pampering. Absolutely. How much pampering should we give then for 1 crore, 5 crores, 10 crores? Baap re. No, it's amazing. So I think that you really felt the pulse of the customer and on the right track. Very nice. You told me about your most amazing and very great sale that you did on the phone, 9 crores. Now I want to hear one story of the biggest difficult sale of yours, or the challenging sale. Maybe it took 1 year, 2 years, 3 years, God knows how many years. और कितने सारे आपने बोलना लड्डू लड्डू कच्चे लड्डू खाने पड़े, कितने ठोकर खाने पड़े, कितने चप्पल चेंज करना पड़ा, बाटा का कितना सेल हुआ, थोड़ा ऐसा भी कुछ मजेदार स्टोरी सुनाओ ना जो टफ सेल हुआ एकदम. सो देयर इज अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, वन ऑफ आवर फेवरेट प्रोजेक्ट, बाय द नेम कॉल्ड एज कल्पतरु आवाना, व्हिच इज इन साउथ बॉम्बे. नाइस प्रोजेक्ट विथ कंप्लीटली फेसिंग द ईस्टर्न सी बोर्ड एंड ऑल, एंड बोथ द साइड सी व्यू. सो देयर इज अ क्लाइंट, इज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, I cannot name him, very very senior client. So unko ek to being an investment banker has to be a hard negotiator. So pricing tak to theek hai, hamare jo bhi contacts hai, jo bhi relation hai, wahan tak hum log ko pricing leke aa gaye the client ke liye, but client was going into too much of technicalities. So kafi sari cheeze thi jo hum log ko technical knowledge bhi hum log kafi rakhte hai, wo hum log ne sari answer kar li, बट फिर भी हम लोग को लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ा और ज़्यादा सेटिस्फाई करना हो क्लाइंट को. हम लोग ने अपने एंड से पूरा कन्विंस कर लिया था, वो ऑलमोस्ट बुकिंग के लिए भी आए गए थे. इंजीनियर को ही मिला लेने का था ना, वही किया हम लोग ने. तो हम लोग ने रिक्वेस्ट करके बोला कि साइट इंजीनियर और उनके जो सीनियर इंजीनियर है उनको भी बुलाओ. तो दैट वॉज द फर्स्ट एवर टाइम हम लोग ने कोई इंजीनियर का भी सपोर्ट लिया है सेल करने के लिए. मतलब सेल ऑलमोस्ट डन हो गया था, बट क्लाइंट को और ज़्यादा सेटिस्फाई करने के लिए कि यार इट्स अ प्रॉपर्टी वॉज बाइंग फॉर 12.5 crores, तो उनको एक वैल्यू का सेटिस्फेक्शन है, उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैंने ले लिया है. उनको ये नहीं लगना चाहिए आप ले लिया तो ले लिया, मैंने राइट प्रोडक्ट लिया है. सो अमित एंड योगेश, नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस वेयर यू कैन मे बी आंसर लाइक दे कॉल इट अ रैपिड फायर. आप लोग तो सब क्वेश्चन रैपिड फायर की माफी के आंसर कर रहे थे अभी तक, बट क्विकली द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड ऑनेस्टली, and it doesn't have to be with only the Rustam ji, whatever it is, the truth we want. Sure. And Rustam ji being a ever growing brand and humble brand, we are willing to learn from others. So first question I'd like to ask you, in your heart and in your mind, genuinely, each one of you can answer for yourself, which is the most human brand, matlab insaniyat ka jo respect rakhta hai. So is it like a Runwal, or is it a Piramal, or Hiranandani, Godrej? Who do you think individually, genuinely, what is the answer from your heart? See, two names really come to my mind. One is Hiranandani, other is Rustam ji, which I think they put a lot of thought process behind that, and they treat as a customer, as a you know, till the end journey. As a matter of fact, I'm proud and happy to share that Rustam ji has created 5 departments to serve the customer after the sale. Details, of course, this is not the forum for that, but somewhere I think this is a very big, everything else being equal, everything else being equal in today's marketplace, knowledge being equal, technology being equal, efforts being equal, smartness being equal, intelligence being equal, financial muscle being equal, the service will be the differentiator. Absolutely. 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 That is something people cannot duplicate. Yes. Correct. Jo seva ka bhav hota hai, wo seva bhav koi sikha nahi sakta. Ek hota jo dil se hota hai, ek hota hai naam ka hota hai. Jo dil se hota hai, wo differentiator banega. Yeah, 100%. That will create, differentiate the boys from the men. Yes. And that's what we feel. So what about you, as in your personal experience, who is the most human brand? I think, yes, I will agree with what Amit is saying, Hiranandani and Rustam ji. Great. Next question. In your heart and mind, who is the most trusted brand, Amit? Trusted brand, I think the... You can name more than one. You can name 5, you can name whatever. So I think the first word that comes, the first developer that comes is Godrej, which is the Godrej Properties. Then we have someone, L&T Realty. I think these two are, when it comes to trust, these... You are like Pashi Bhavaji ka to naam liya usne. Great, great. What about you? So... Godrej, of course, and I think Rustam ji, L&T, these are brands where one can just close our eyes and you can trust. Beautiful.
Third question I'd like to ask you, which is a brand where you have received the best brokerage experience? I think so far, you know, last couple of 4-5 years, mm-hmm. that is the industry has changed, you know, developers have corporatized themselves. So overall, this experience, developers have understood that, you know, we need to streamline this. Mm-hmm. So the last 4-5 years, majority of the developers have streamlined their brokerage process. So, so far, we've not faced any, you know, challenge. So that's very nice to know, mm-hmm. that there is no particular one person standing out, mm-hmm. and the industry as a whole. Yes. That is, yes. I think, the best answer I could have even it's heard. It's a very of. Organized way. Very nice. Very nice. It's organized. Beautiful to hear this. Beautiful to hear this. Very nice. Which is a brand with the best working experience that you have had? Hopefully, consistently. Now, see, if you are, first I would like to ask you, how many brands do you work with? Because if you are working with only two brands, wo dhoka hi naam aata rahega. You must be working with at least. So we work 21 with brands, 21 developers. 21 brands you are working with. Oh, that's nice. How lucky they are. Yes. And thank you. I would count myself lucky also for that. Thank you for supporting Rustam. So in your heart and mind, who would that be? So best working experience. Best working experience is with Godrej, Rustam ji, and L&T. Any example you have of L&T or Godrej where you feel? Well, when we go with a client, so first of all, हम लोग अपने आप को feel ही नहीं कराते कि हम लोग channel partner हैं. We are off payrolls. So from model till sample, हम लोग खुद ही involved हो जाते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि यूनिट प्लान्स भी हम लोग ऐसा लगता है कि आप लोग ही एलएनटी है बैच नहीं दैट्स वंडरफुल वो ऑटोमेटिकली हो जाता है दैट्स अमेजिंग वेरी नाइस इनफैक्ट इवन रुस्तम जी में कई बार ऐसा हुआ है कि अगर कोई मैनेजर्स बिजी है तो हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं तब तक हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्रीफ कर रहे हैं भाई इन लोगों को रुस्तम जी का शर्ट दे दो नेक्स्ट टाइम एक बैच भी दे देना वेरी नाइस अच्छा वुड यू सो टुडे वी हैव सीन प्रेडोमिनेंटली it's a male-dominated industry, real estate, in terms of the number of female channel partners. Mm. If you go to a channel partner meeting also, if there are 100 channel partners over there, hardly say 5% or 4% are the ladies. Right. What would you say to encourage more women to come in the industry? Or do you believe that will be good for the industry? I think yes, because females, what we have noticed, they are very good in managing things. So, and they are very good in advising, and I think while buying a house also, na, so husband bhale kharcha bhi kar lega khareedne ke liye, lekin influencer wife rehti hai. So, kahin na kahin wo female touch, bahut wo emotional rehta hai, correct, correct, aur wo help karta hai client ko guide karne mein. Correct, correct, correct. Maine to ek baar kidhar padha tha ke 70% of the world economy, it could be more but not less, is working on the women's influence. Yeah, of course. Yes. Yeah. In fact, now I think they can be a good, very good contributor if they come, because today, you know, at real estate segment altogether, that we are space that we are working in the channel partner segment. So this has become a proper. It's not no longer ki side mein koi kuch kara. It's become a proper, you know, business. Full time. Yeah, it's a main. It's a full time business. Correct. And you know, when you can engage over here, you know, I think you can make a very good career out of it, yes, and you can obviously make very good money out of it. You can support your home, and you can live. I have seen realtors roam around in Mercs and BMWs as if they are driving Ola cabs. And I will not name your cars, so that's okay. We respect, but fact is that just to add and to encourage people who are thinking or in two minds, it's an industry which not only brings like the blessings but the prosperity. Yes. Yeah. Combined yes, together, yes. Am I right? Yes, absolutely. So that's a beautiful opportunity for it's a good, for yeah, growth. It's a very good. Nice. What goes around comes around. Well said. You'll make a good motivational speaker also. Wo side business chalu kar sakte hai. Well spoken. Wo kala tika ka bhi acha example diya aapne. नहीं मतलब कहने का है कि हम लोग के एडवाइस से क्लाइंट प्रॉस्पर होते हैं तो उन लोग के परचेस से हम लोग भी प्रॉस्पर होते हैं correct. कहने का मतलब करेक्ट करेक्ट इट्स अ सर्कल इट्स अ सर्कल पॉजिटिव सर्कल I'm going to name some categories now. I would like you to name in your mind, what is the best project as per you in that category. So first category is the mass housing. Mein acha sabse acha project. Who is there? Which project? Project yours? I think mass category pe Palava. I think Lodha Dombivli Palava. I think that is beautiful. Hats off to them. They have completely transformed. Transformed. They have transformed.
ट्रांसफॉर्मर का नेक्स्ट सीरीज उन लोग में मिस्टर अभिषेक लोहता शुड कम एज ट्रांसफॉर्मर. एक्चुअली हम लोग गए हैं वहाँ पे, देखा है मतलब 40-50 लाख में भी लोगों ने जो अपार्टमेंट लिए एंड द काइंड ऑफ एमिनिटीज दे आर एंजॉय. मतलब इट्स लाइक अ मे बी अ बैंड्रा लेवल पर्सन कैन एंजॉय दोस एमिनिटीज. आई हैव सीन दैट गोल्फ कोर्स. इट्स ब्यूटीफुल. हैट्स ऑफ टू देम. हैट्स ऑफ टू देम. ग्रेट. लग्जरी में व्हाट वुड यू हु वुड बी गुड बेस्ट प्रोजेक्ट इन योर माइंड. इन योर माइंड आई थिंक लग्जरी में वी हैव 3-4 गुड ब्रांड्स. सो कल्पतरु, रुस्तम जी एंड के रहेजा. लग्जरी में दिस थ्री ब्रांड्स आर रियली फैबुलस वर्क. कीपिंग इन माइंड की what exactly does a luxury customer need. So I think that has been really fitted in their products well. Correct. Now correct. We, just to give you one small example, like we talk about Rustam Ji Crown for example. So when we say luxury, so even the lowest configuration is 1335 square feet carpet area, 3-bed. So generally in 3-bed what we hear, you have 2 attached bathrooms and 1 common. So here in 3 BHK, Rustam Ji is offering 5 bathrooms. All the 3 bedrooms are having attached bathroom. One, you have maid's washroom also. Yes. Plus you also have a powder. Your each bedroom is having more than 200 square feet. So that is luxury. Beautiful. That is luxury. Good observation. Very nice. Thank you. Hopefully with your inspiration, we'll make bigger next time. So gated communities mein, who would be your, which project would be your best, Amit? One of the favorite projects, I think, is Godrej Trees. Godrej Trees. I think it's a beautiful setup, a beautiful community which is really made out there. And it's a mixed development overall. We having retail, commercial, you know, hotel. Also, connectivity is also... Connectivity is also fabulous. And plus, the good part is a lot of greenery. Greenery, yeah. Oh, that's very important. Yeah, yeah. Very important. I think even Seasons is very beautiful as a gated community. The way overall planning has been done, and it's nice. Yes. Very nice. So many things go on when you actually after the project is over, is the planning, connectivity, environment, nature, parking, and like it's insane the amount of planning, absolutely. Really insane. In fact, in spite of being into BKC where there is a height restriction, Seasons has a good floor to ceiling. Yes, yes, nice. It's very decent, yeah. Very nice. Good observation. And we have balconies in every single room. Yes. It's one of the rare things to get balconies in every single room, so that's beautiful. In terms of townships, I'm not sure if you all do a lot of townships, being premium. Yes. Yes. But generally, it doesn't matter whether you have done any transaction or not. But in your perception, which is a good township as per you? I think when we talk about township, it's Hiranmani. Oh yeah. I agree with you, boss. I agree. Even we talk about like, of course, Pawai now is a very premium and a very, very expensive location, we would say. But we talk about like 10 years back, what price they were offering in Thane and the way it was being planned and designed. Yes. It's nice. We genuinely, I think the entire industry has a huge respect for Mr. Niranjan Hiranandani. We've learned a lot. Yes. There is nobody who has not learned from him. And not only is the learning, but the inspiration also, you know, like he's set the gold standard for that. Yes. And for us, he's a mentor. Absolutely. And Mr. Vijay Vadva. Yes, yes. They're all luminaries, boss. Yes. They are the gods. They are the Sunil Gavaskars and the Kapil Devs of the... We all have learned from them. Yes. So high respect for that. Thank you. Which is the best location as per you to transact in, as per you? It's a fast moving or a good location, happening location, Amit? I think Bandra. Bandra, yeah. What about you? I think Central Mumbai is going well. Central Mumbai. Yeah. Great. Suburbs basically. Which is that, if I had to ask you one word, you could name two different. So although I think if there was a Judwa movie, you both could star in the next Judwa movie. Right? So I'm sometimes afraid you'll end up giving the same answers because you think alike so much more, right? So one word which makes you different from other channel partners, just one word, what would that one word be? I think the word advisory is something that really makes us different. That would make you different. Absolutely. Right? What about you? Now he's taken the... you have to think of something else. With due respect to all the channel partners, but I think trust. Trust. So I think one is the horse and the other is the carriage. Because you act like advisors, it evokes the trust. Yes. One follows the other. Yes. Light and parchai, right? Shadow. Which is
इफ़ यू हैव टू गिव वन सजेशन कि यार एक सजेशन दो टू योर फेलो चैनल पार्टनर्स कि यार एक चीज़ करो आप लोग तो लाइफ सुधर जाएगी आपकी, व्हाट इज दैट वन सजेशन यू वुड गिव देम? आई थिंक वन थिंग इज दैट कि व्हाट एवर प्रोडक्ट और व्हाट एवर प्रोजेक्ट दैट यू आर यू नो प्रमोटिंग, डोंट प्रमोट समथिंग विच इज़ अ रॉन्ग प्रोडक्ट, डोंट प्रमोट समथिंग विच इज यू ऑल्सो नो इन योर हार्ट डीप डाउन दैट यू नो इट्स नॉट अ गुड प्रोजेक्ट, जस्ट फॉर इजी मनी, जस्ट फॉर इजी मनी, डोंट आई मीन दैट इज नॉट गोइंग टू लीड यू एनीवेयर, शॉर्टकट्स आर नेवर ग्रेट, शॉर्टकट इज ऑलवेज अ लॉन्ग कट, इट्स ऑलवेज डेंजरस, सो वन थिंग वी फेयरली बिलीव, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट एंड यू विल प्रॉस्पर, यस, राइट, यस. व्हाट इज योर एडवाइस? स्ट्रॉन्ग एडवाइस, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सेक्टर, प्लीज मेंटेन इट, स्वच्छता रखो, गंदगी मत फैलाओ. वन मोर थिंग, ट्रस्ट मी, इफ दे कैरी राइट नॉलेज एंड इट शुड बी अ जस्टिस टू द कस्टमर. सो क्लाइंट कई कई बार ऐसा होता है कि वो बातों बातों में कुछ भी ले लेंगे, कभी उनको कुछ गलत भी बोल दिया वो ले लेंगे. तो कहने का मतलब ये है कि कोई घर लेता है, इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी, और वो रोज नहीं लेगा. जीन्स ले लिया, टी शर्ट ले लिया, कुछ खाने का चीज़ मंगा लिया, वो रॉन्ग हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट क्विक हो जाता है. बट घर का ऐसा इतना ईजी नहीं रहता है, वो आदमी को समझना चाहिए, इट इज़ थोड़ा सा उसको समझ के लेना चाहिए, सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए इसमें. ऑलवेज बी अनबायस्ड, करेक्ट, ऑलवेज बी अनबायस्ड. वो अमित अभी जस्ट थोड़ी देरी पहले बोल रहा था ना कि दैट फियर ऑफ लॉस है ना, वो नहीं रहना चाहिए. जब आपको एडवाइस दो वो नहीं रहना चाहिए. इसमें और एक चीज़ है, जनरली इफ यू नो, अगर आप कोई आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो और अगर आपको वो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट देख के आया है और आपको पता है कि उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सही प्रोजेक्ट है और पर वो आप ऑलरेडी देख के आया है, तो यू नो यू आर नॉट कनेक्टेड टू दैट, सो डोंट ट्राई टू डीसेल दैट कस्टमर व्हेन यू थिंक दैट यू नो ही इज बाइंग द राइट प्रोडक्ट. मतलब जस्ट फॉर योर सेल्फिश ग्रीड, डोंट डू दैट. It takes gut to let go of so much. In fact, उनको आप बोलो कि आपको जिनके भी through लेना है ले लो, बट ये अच्छा प्रोडक्ट है, आपके रिक्वायरमेंट के साथ मैच होता है. वो खुद तो उनसे नहीं लेगा, लेकिन वो रेफरेंस जरूर देगा. करेक्ट, वो रेफरेंस जरूर देगा. उतना एक ऑनेस्टी कहीं ना कहीं है ना, वो दिख जाता है, सर्कल ऑफ लाइफ आ ही जाता है. In fact, you know, very small, I mean, not you know, very small things, but this is something that we practice also, you know, in hum log, you know, like for example, there are other channel partners, we work them, we meet them, you know, their friends, associations, colleagues, if not, acquaintances. तो हम कोई अगर क्लाइंट हमको पता चलता है कि यू नो ही हैज विजिटेड दैट एंड यू नो, सो वी डोंट ट्राई टू स्पॉइल दैट. इनफैक्ट वी हैव इनफैक्ट गॉन आउट ऑफ द वे, 3-4 इंस्टेंस वी हैव क्लोज द डील फॉर देम. वाओ वाओ वाओ, एंड उनको बोला कि यार मैंने क्लोज कर दिया, तू देख लेना. रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट. वेरी फ्यू पीपल डू दैट. आई थिंक दैट विल बी एडेड टू योर डिफरेंशिएटर. यस, respect is to be earned, we have earned that. I would say proudly, we say this proudly, you, yeah, proudly. Yeah, 100%, and it's a good great precedent for the other channel partners. We are not losing anything, we are gaining, we are gaining that trust of the channel partner also. correct I always say, Amit Yogesh, niyat sachi to life achi. Yes, absolutely. Niyat sachi to life achi. Raat ko aaram se sona hai. And somebody told me, Ammani ka roti ka size aur garib aadmi ka roti size. Same. Ammani ka itna bada table ke jitna to roti nahi khata hoga. Main karodpati hoon to bada bol. So, I think at the end of the day, basics are very similar. It is. And we have to take cognizance of that fact. खाली हाथ आया, खाली हाथ जाना है. अलेक्जेंडर द ग्रेट का स्टोरी मुझे क्विकली याद आ रहा है. व्हेन ही वाज टेकन इन हिज कॉफिन, कब्र में उसको उठा के लेके आ रहे थे, एक हाथ उसका बाहर लटक रहा था. तो वो सोल्जर लोग ने पूछा, इसका हाथ बाहर क्यों लटक रहा है? तो बोला, ना उसने ही एडवाइस दिया था, अलेक्जेंडर ने उसके जनरल लोग को बोला था कि जब भी मैं मर जाऊँ मेरा हाथ बाहर रखना, क्योंकि दुनिया को बताने के लिए, सिखाने के लिए कि खाली हाथ आया, खाली अच्छा गया. It was a visual, it's a true story. Yes, it's a true story. Wow. After conquering 75% of the world also, he has gone empty-handed. Right. So, I think somewhere we should be in touch with that reality. Yes. A important question. Millionaire and multi-millionaire brothers are working together. Even Borivali, every corner of the Bombay you will see relatives, friends, brothers. After 3 years they are fighting with each other and you know, the business is not working. Friendships are broken, trust is broken. How you all are maintaining like this? Misunderstanding hota to how do you resolve? You can give advice to the people who are in friendship and you know, so it's a good advice. See, greed has no end, but make sure that ki kahan par bhi aapko apna ek personal greed nahi dikhe. Jab when you are running a company, then you treat yourself that, don't treat yourself as a owner, treat yourself as an employee. I think wo bahut acha rahega aapke liye. And secondly,
ट्रस्ट इज समथिंग आई थिंक वो रहना ही चाहिए. हाउ डू यू बिल्ड द ट्रस्ट? तो दो यू नो वी नो इच अदर सिंस चाइल्डहुड, सो देयर इज कुछ गलत करेगा ही नहीं. हां मतलब वो बचपन यू नो दैट वो बचपन की वाली दोस्ती और कॉलेज वाली दोस्ती. चॉकलेट चोरी करेगा वो, उससे ज्यादा नहीं. बैटिंग करके भाग जाएगा वो, बैट लेके भाग जाएगा, इधर सब चीटिंग चलेगा. बट हमारा जेनेसिस ही ये है कि यू नो वी गिव ऑनेस्टी, वी गिव गुड एडवाइस, आवर इंटेंट इज क्लियर. In our business also that intent is clear. So within ourselves, whether it be our team or internally, things are very, very natural setting. Haan. Jai Viru ki dosti. ye kya? Dosti. Ye dosti hum nahi todenge. 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 Dam magar. Dam magar. Ek dusre ka saath nahi chhodenge. Wow. Chole yaad aa gaya. Okay. Last question in the rapid fire. I would like to ask you, if there's one word which comes to your mind first for Rustam ji, what is that one word you will share? Integrity. Beautiful. Very nice. What about you? Trust. Thank you. We are honored and proud. We worked hard to earn those words. Absolutely. Like you are absolutely proud. Right, we are there. Proud. It's nice to have the positive proudness. Absolutely. And not the arrogance. Very nice. Amit Yogesh, last question. Very recently, I don't know if the viewers can see behind, there's this initiative which our amazing marketing team has thought of, which is Partners Forever. So a lot of times channel partners complain to me, or not complain, but they say feedback bolte hain yaar, ek hum log kaam to karte hain, hum log BMW mein ghumte hain yaar, par ek wo broker, you know that mindset yaar, broker ek respect, jo genuine respect. Like today a diamond trader who will earn half the money that you are earning will get more respect than a diamond trader. Some guy in the stock market who's earning 1/4 of the amount that you are earning, but stock broker so much. ये तो ब्रोकर है, यू मे बी अर्निंग 10 क्रोर्स इन अ इयर्स एंड यू मे हैविंग अ मेंशन इन बेवरली हिल्स, बट यू आर सो दैट वी वांट द एंटायर कम्युनिटी टू बी अपलिफ्टेड इन द परसेप्शन एंड दैट काइंड ऑफ अ रिस्पेक्ट टू बी गिवन टू यू, व्हाट अ फाइनेंशियल एडवाइजर वुड गेट दैट रिस्पेक्ट, हु सेलिंग अ म्यूचुअल फंड नो. सो पार्टनर्स फॉर एवर इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स वेयर वी वांट टू ट्रेन यू, वी वांट टू रीच आउट टू यू, वी वांट टू क्रिएट बेटर एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंटरेक्शन विद यू, वी वांट टू एनरिच यू विद लाइफ नॉलेज, मे बी यू नो हाउ वी कैन हेल्प यू टू यू नो मे बी सेल और एडवाइस योर पीपल, गिव द वैल्यू मे बी लाइक यू सेड द इंजीनियरिंग नॉलेज. सो व्हाट आर योर टॉप 2-3 टिप्स यू वुड लाइक टू गिव अस टू हेल्प दिस पार्टनर्स फॉर एवर इनिशिएटिव ऑफ रुस्तम जी टू बिकम अ ग्रेट एंड बिग एंड सक्सेसफुल इनिशिएटिव? I think education is very important. I think recently with RERA also saying that, you know, all real estate agents have to go through a mandatory exam. That's where it has started. And developers should, especially for this initiative, if you train, you know, people in understanding the layouts, in understanding the construction technology, where this helps them bring value to the, when they have the same discussion with a client. So it's fairly important if, you know, if you could include that in the initiative. So you are saying maybe our architects should come and train you, or our engineers should come and train us, architects. So that's give us that technical knowledge, which will be really helpful, so that you know we can keep a better understanding of what is happening today, and we can impart the same knowledge to the customer. Beautiful. I think this will be a first if it happens. Yeah, yeah. I will definitely pass on your suggestion to our management. What about you? Any suggestions? I think Amit had covered that thing very well. The thing is. What happens जब भी कोई अगर चैनल पार्टनर कोई क्लाइंट को लेके आते हैं तो सैम्पल देख लिया वही हो जाता है, बट व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज़ द क्वालिटी, व्हाट काइंड ऑफ स्टील इज़ बीइंग यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ सीमेंट इज़ बीइंग यूज्ड, व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग फॉर द पार्किंग, दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन चैनल पार्टनर टू नो, सो दैट चैनल पार्टनर कैन एजुकेट द कस्टमर एंड सेल्स जॉब ईजी हो जाता है. Correct. और कहीं ना कहीं वो अल्टीमेटली सेल्स होना चाहिए. करेक्ट, बट राइट सेल्स होना जरूरी है. सर वैल्यू परसेप्शन बढ़ेगा मेरे हिसाब से, तो कस्टमर विल फील कि यार 10 करोड़ दे रहा हूँ तो ये इसका पैसा वसूल हो रहा है मेरा, इतना इंजीनियरिंग इसमें गया, इतना थॉटफुलनेस इसमें गया, इतना खर्चा हुआ इसके अंदर, वो उन लोगों को इट्स नॉट कमिंग अक्रॉस एज ऑफ नाउ आई थिंक. क्योंकि बिल्डिंग बन जाता है तो तभी हम लोग को स्टील नहीं दिखता है, सीमेंट नहीं दिखता कौन सा लगा है, तभी हम लोग को बाहर उसका एक्सटीरियर दिखता है, फसाद दिखता है एंड ऑल, बट क्लाइंट्स को ये बताना जरूरी है वो कैसे बताएंगे हम लोग. या so you will be fascinated to know, हमारी जो क्राउन की बात कर रहे थे 68 स्टोरी प्लस बिल्डिंग, इट हैज़ बीन डिजाइन टू, वो विंड वेलोसिटीज बहुत हाई होती है वो हाइट के ऊपर, सो इट हैज़ बीन डिजाइन टू स्वे, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, बट आई थिंक जीरो समथिंग सम, आई थिंक इतना डिस्टेंस, मोर देन 1 फीट अप्रॉक्सीमेटली, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग अप्रॉक्सीमेट फिगर, बट माई इंजीनियर विल गिव यू द, सो दिस काइंड ऑफ अ स्वे फ्रॉम टॉप द टॉप फ्लोर्स, सो अदरवाइज वो कड़क रहेगा तो
it can break or damage the structure. So this is the kind of the technology which is used in the world's best high-rises. They are used in your Prabhadevi Rustamli crown. So that's one of the many fascinating things which our engineers can share. Imagine you pass on this knowledge, somebody saying discount. So yes, sway technology ke liye, there's lots more thought process, pura structural engineering, the quality of the steel, the quality of the cement, and the entire lot of more technology goes into making that sway to protect you and your loved ones from the highest in the earthquake and from the strongest of the wind, typhoon ka level ka bhi wind aane do, building khada rahega. So I think that's a valid feedback. In fact, we had been to Crown, to wahan pe we have seen the kind of quality being used for the windows and all. Nice high rise mein we expect this kind of unified wall claddings that you are talking about. They are beautiful, first in India, by the way. So end on a technical note, but important note, adding value to customers is most important, integrity is most important, trust is most important, love is most important, passion is more important, dosti is most important, is the foundation of all success. And love is more important, having fun is more important. You people seem like such... celebrating is equally important. Celebrating, okay, celebrating is very important. Bit body language. So I think it's good. It was fun talking to Jay and Viru, Amit and Yogesh. Really beautiful. Thank you for coming all the way from Chembur over here. We are honored and genuine gratitude to you. It was beautiful talking to you. We hope to have you on our next show as well. And being senior consultants now, senior young consultants, why don't you also start your own kind of a small education initiative for the next generation of the brokers, I suggest, And we can, of course, support you as a developer. So we will support you, you support us, and the entire industry rises, In fact, now recently, we have heard about syndicate verticals and all. So, which is like... just a broker who is a channel partner who is not able to cater the client is just passing on the lead. We personally feel that instead of having this kind of syndicate model, one should train these channel partners so that they also become independent partners. So theek hai, aap syndicate jaise aap kar rahe ho, you can do that, but at the same time that channel partner should also gain some knowledge out of it. They should be self independent. Reliant on anyone. Absolutely. Great thought. सबके घर में इक्वल रोटी जाएगा, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन, और अपॉर्चुनिटीज बढ़ते ही रहेगा, कम नहीं होने वाला. करेक्ट. सो इनफ एंड मोर नॉलेज शेयर्ड ऑन दिस शो. आई होप द व्यूअर्स आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम द वाइज पीपल्स नॉलेज एंड कस्टमर इनसाइट्स. ब्यूटिफुल, लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ लर्न. एंड वी एट रुस्तमजी विश यू एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर ऑल द वंडरफुल हैप्पी डिलाइटेड कस्टमर्स दैट यू ब्रॉट टू अस. वी प्रॉमिस टू कीप सर्विंग देम एंड सपोर्टिंग यू इन रिटर्न. And thank you for being on our show, Amit, Yogesh. Total pleasure. Thanks. See you soon. Yes. Thank you. Boom.